हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो भाई, बच्चों की डिमांड पे आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2023 में जो सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीएस के बन सकते हैं, हम वो लेके आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक पार्ट के अंदर सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उन 10 क्वेश्चनों को हम इतने अच्छी तरह से कवर कर लेंगे कि आपको और कहीं से कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। और उन 10 क्वेश्चन में से हो सकता है आपके 50 से 60 क्वेश्चंस निकल के सामने आ जाएं। तो चलिए देखते हैं भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज मेनली फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अमंग्स अदर ऑब्जेक्टिव। तो भाई, 5 ईयर प्लान की बात की गई और ये पूछा गया भाई, गरीबी हटाओ का जो नारा है कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था। तो भाई, हम ऐसे करते हैं, पहले पांच 5 ईयर प्लान है उनको आज कवर कर लेते हैं। अगर दोबारा से कभी 5 ईयर का आएगा क्वेश्चन तो बाकी के उसमें कवर करेंगे, और पहले 5 कवर करते ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला 5 ईयर कौन सा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है भाई, तो पहला 5 ईयर प्लान था, ये था हमारा, ये आया था 1951 से लेके 56 में भाई। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं होराड डोमर प्लान। ठीक है भाई, मेन फोकस इसका था एग्रीकल्चर पे। ठीक है भाई, 5 IITs बनी थी इसके अंदर। ठीक है, और साथ में भाखड़ा नंगल जो डैम था, इसका जो था बिल पास हुआ था, और प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर सेकंड की बात की जाए, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये हमारा आया था भाई 56 से लेके 61 में। ठीक है भाई, 1956 से 1961, इसको हम बोल देते हैं पीसी महलनोबिस प्लान। इसका मेन फोकस था भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अगर थर्ड की बात की जाए, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, ये हमारा आया था भाई 61 से लेके 66 तक भाई। ठीक है, 1961 टू 66। ठीक है, इस प्लान का मेन फोकस था वीट प्रोडक्शन इसका मेन फोकस था, और एग्रीकल्चर के ऊपर ये डिपेंड करता था। ठीक है, लेकिन जो ये प्रोग्राम था, ये हमारा था, ये फेलियर हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था, इस टाइम पे हमारा सिनो इंडिया वार हो गया था, इंडो पाक वॉर हो गया था। इस वजह से क्या हुआ था, इस जो प्लान को जो था फेलियर माना गया था। ठीक है, इसके फेलियर की वजह से हमें प्लान हॉलीडेज लेनी पड़ी थी, और प्लान हॉलीडेज थी हमारी 66 से लेके 69 तक। ये थी हमारी प्लान हॉलीडेज। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा आया फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था, ये हमारा आया भाई 69 से लेके 74 तक। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे जो इसको हम बोल देते हैं गडगिल प्रोग्राम या गडगिल प्लान बोल देते हैं। ठीक है, इस प्लान का जो मेन फोकस था ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर था भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया था, 14 जो बैंक थे, 14 बैंक्स, इनका नेशनलाइजेशन किया गया था, नेशनलाइजेशन। ठीक है भाई, अच्छा, इसके बाद जो हमारा आया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये हमारा आया था भाई 74 से लेके 79 तक होना था ये। ठीक है, लेकिन 78 में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि 78 के अंदर क्या हुआ था, जो हमारे थे, जो मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई थी, और उन्होंने इस प्लान को खारिज कर दिया था। तो ये 78 तक ही चला, ये माने के चलेंगे 79 में नहीं था। इसका जो मेन फोकस था वो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और गरीबी हटाओ पे फोकस किया गया था, और नेशनल जो हाईवे सिस्टम था वो भी इसके अंदर जो था वो बनाया गया था। ठीक है भाई, और एक मिनिमम जो था वो प्रोग्राम आया था भाई MNP। ठीक है भाई, मिनिमम नीड्स प्लान, वो भी इसी प्रोग्राम जो 5 ईयर प्लान था इसी के अंडर आया था। ठीक है, अब ये इतना सारा डेटा हो गया। ठीक है, इस डेटा को याद करने के लिए भाई हमें एक शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, जिस शॉर्ट ट्रिक से हम इसको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक वो ये है कि HD मैं वीट गार्ड गया। ठीक है भाई, HD में वीट गार्ड गया, ये चीज आपको याद रखनी है। HD का मतलब होराड डोमर कौन सा हुआ, फर्स्ट प्लान। MA का मतलब PC महलनोबिस सेकंड। ठीक है भाई, वीट मतलब थर्ड, वीट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर। ठीक है, गडगिल प्लान कौन सा हुआ, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है भाई, अच्छा, और GA से हम क्या याद रखेंगे, गरीबी हटाओ, तो ये हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो भाई HD में वीट गार्ड गया, आप ये याद कर लीजिए, आपको पांचों के पांचों 5 ईयर प्लान अच्छे से याद हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सोइल मॉइस्चर।
दिस मेथड इज कॉल्ड। तो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई जब हम खेत में प्लांट लगाते हैं या किसी भी क्यारी के अंदर प्लांट लगाते हैं, मान लीजिए ये क्यारी है और इनके अंदर ये प्लांट लगे हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि भाई इनके बीच का जो ये ग्राउंड है ना, इसको हम कवर कर देते हैं, और इस कवर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो भाई जब हम इसको कवर कर देते हैं तो इस कवर करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्चिंग। ठीक है भाई, और मल्चिंग का मतलब ये जो बेनिफिट होता है ये होता है कि जब ये ग्राउंड कवर हो जाता है घास से या किसी प्लास्टिक शीट से या किसी और मटेरियल से, तो जो सोयल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो उसके अंदर रिटेन रहते हैं। ठीक है, तो वो उड़ते नहीं है या फिर वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, इरोड नहीं होते। तो इस वजह से जो हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन होती है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। और बात की गई है भाई रॉक डैम की, तो रॉक डैम जनरली क्या होता है, पत्थर का एक डैम बना देते हैं, पत्थरों का बांध, ठीक है, जिससे कि पानी एक जगह रुका रहे उसको हम रॉक डैम बोल देते हैं। फिर आया हमारा शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब ये होता है कि भाई कई बार क्या होता है, विंड की वजह से क्या होता है, सोयल के ऊपर इरोजन होता है, मिट्टी है जो उड़ जाती है हवा की वजह से, तो उसे रोकने के लिए प्लांट्स की बेल्ट बना दी जाती है। ठीक है, तो इसी प्लांट की बेल्ट को हम बोल देते हैं शेल्टर बेल्ट्स। अगला आया भाई कॉन्टोर बैरियर्स। ठीक है, कॉन्टोर बैरियर्स, ठीक है, कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं भाई, पहाड़ों में जब फसल उगाते हैं लोग तो उसके साथ साथ पत्थरों की दीवारें बना देते हैं। ठीक है, स्टेप जो स्टेप इरिगेशन होती है उसके अंदर, ताकि उससे क्या होता है, एक तो मिट्टी रोड होकर नीचे ना जाए और दूसरा पानी है वो खड़ा रहे, तो उस पत्थरों की दीवार जो पहाड़ों पर बनाई जाती है उसको हम कॉन्टोर बैरियर बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मल्चिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई बात की गई है फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, तो फिट इंडिया मूवमेंट थी ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी भाई 29 अगस्त 2019 के अंदर। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019। और 29 अगस्त को ही क्यों लॉन्च की गई, तो इस दिन हमारा होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है भाई, और नेशनल स्पोर्ट्स डे हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाना स्टार्ट किया गया था, तो जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे, ध्यानचंद जी, इनके जन्म दिवस के ऊपर जो था 29 अगस्त को जो हमारा था नेशनल स्पोर्ट्स डे वो मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। मेजर ध्यानचंद जी कौन थे, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था भाई। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जी की जिक्र आई है तो इनसे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, खेल रत्न अवार्ड, इसको बदल के भाई अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया भाई, तो इसको भी ध्यान में रखना है, यहां से भी सीजीएल में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। सम इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटरी ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट एंड चोलास डायनेस्टीज, द पोस्ट नगर सृष्टि मीन। तो भी बात की गई है राष्ट्रकूट और चोला किंगडम में नगर सृष्टि किसको बोलते थे, भाई नगर का जिक्र आया है तो नगर को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, सिटी, और सिटी यहाँ किसके सामने लिखा हुआ है, मर्चेंट ऑफ द सिटी के सामने दिख रहा है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ द सिटी। अच्छा, और बात की गई चीफ जुडिशियल ऑफिसर लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावेंस और इंपोर्टेंट मिनिस्टर, मतलब आमात्य की, ठीक है, और भाई मुख्य न्याय अधिकारी की, ये जो होते थे ये गुप्ता डायनेस्टी में होते थे भाई। ठीक है, चंद्रगुप्ता आपने सीरियल देखा होगा उसमें महाआमात्य बोलते थे, तो ये सब और जो ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर और इंपोर्टेंट मिनिस्टर, अगर इन पदों की बात की जाए तो ये हरिसेना को मिले थे समुद्रगुप्त के टाइम में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है सीरियल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात की गई है भाई यहां राष्ट्रकूट किंगडम की। ठीक है, राष्ट्रकूट किंगडम, ठीक है, हमें राष्ट्रकूट किंगडम का पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रकूट किंगडम कब फाउंड आउट हुई थी और किसने फाउंड आउट की थी। तो भाई 755 से लेके, ठीक है, 755 में फाउंड आउट हुई थी और 755 से लेके 975 तक इसने इन्होंने तो था राज किया था भाई। किसने फाउंड आउट की थी, तो दंती दुर्ग जी ने की थी भाई, दंती दुर्ग। ठीक है, अच्छा इसकी किंगडम क्या थी भाई, ठीक है, तो इसकी जो किंगडम थी, जो सॉरी कैपिटल थी राष्ट्रकूट की, तो भाई वो थी हमारी मान्यखेत, मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत किसने बसाई थी, अमोघ वर्षा ने, अमोघ वर्षा, ये राजा था भाई, इंपॉर्टेंट किंग है राष्ट्रकूट की। अच्छा, इनका एम्बलम क्या था, तो इनका एम्बलम था भाई गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल। अच्छा, अब बात आई मान्यखेत की और अमोघ वर्षा की, तो अमोघ वर्षा जी ने एक पोएम्स की बुक लिखी थी भाई, उसके बारे में क्वेश्चन सीजीएल पूछ लेता है, तो कौन सी बुक थी भाई, वो थी कविराज मार्ग, कविराज मार्ग जो बुक थी ये हमारी अमोघ वर्षा जी ने लिखी थी। और इन्हीं के किंगडम में भाई अब्बू सुलेमान,
अबू सुलेमान नाम का एक अरेबियन ट्रेवलर था भाई, जिन्होंने विजिट किया था किनकी किंगडम में, अमोघ वस्त्रा की किंगडम में, ठीक है भाई, अमोघ वर्षा की किंगडम में। अच्छा और किसी इंपोर्टेंट किंग का नाम पूछ लिया जाए तो कृष्णा वन, कृष्णा वन, इन्होंने क्या कैलाश टेम्पल बनवाया था, कैलाश टेम्पल एलोरा में, एलोरा केव्स, ठीक है भाई। एलोरा केव्स कहाँ पड़ती हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। अच्छा ये कैलाश टेम्पल। अच्छा और अगर केव्स का जिक्र आ जाए तो एलिफेंटा, एलिफेंटा हो गई, और भाई ये कौन सी होगी, दशावतार केव्स होगी, ये भी राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी भाई, ठीक है। और एलिफेंटा केव्स कहाँ पड़ जाती है, नवी मुंबई के पास एक आइलैंड है महाराष्ट्र में, यहाँ पड़ जाती है। और अगर बात की जाए पंपा पुन्ना, ठीक है रन्ना, पंपा पुन्ना रन्ना, ये जो तीन कवि थे कन्नड़ लैंग्वेज के, ये भी जो थे ये राष्ट्रकूट किंगडम के अंडर ही हुए हैं भाई, ठीक है। और कन्नड़ के कवि थे तो हमें पता चल जाएगा राष्ट्रकूटा की लैंग्वेज कौन सी थी, कन्नड़ थी, ठीक है। तो चलिए ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, अब इसे इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है भाई। देखो राष्ट्रकूटा की बात आई, कूटा कूटा कुत्ता, आप एक चीज लेके चलो, कुत्ता लेके चलो आप इसको, कुत्ता था, ठीक है भाई, ये कुत्ता है, इसने क्या किया, दांत मार दिए दांत, ठीक है। तो भाई कुत्ता कुछ जो राष्ट्रकूट था उसको फाउंड आउट किसने किया, दंती दुर्ग, ठीक है आप याद कर लेना, कुत्ते दांत मारते हैं तो कुत्ता दंत से दंती दुर्ग, ठीक है। इसने दांत मारे तो ये खेत में भाग गया भाई, अब खेत से हमें क्या याद रहेगा, मान्या खेत, अब खेत में भाग गया तो खेत में हो रही थी भाई बारिश, वर्षा खेत में हो रही थी, वर्षा, वर्षा किसने फाउंड आउट किया, अमोघ वर्षा में, ठीक है। वर्षा भी तो ये कहाँ जाके छुप गया, ये केव में जाके छुप गया। तो कौन कौन सी केव्स थी जो राष्ट्रकूट से बिलोंग करती हैं, एलोरा एलिफेंटा और दशावतारा, ठीक है भाई। अब केव में से मिला बच्चा, बच्चे ने कुत्ते को देखा, वो चिल्लाया भाई अब्बू अब्बू, ठीक है। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे अब्बू सुलेमान जो था वो किसके आया था भाई, ये आया था हमारे अमोघ वर्षा के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या, कुत्ते ने काटा, दांत मारे, दांत मार के खेत में गया, खेत में बारिश हो रही थी, केव में छुप गया, केव में छुप के बच्चा बोबू चिल्लाने लग गया। तो इससे आपको पूरी राष्ट्रकूट किंगडम याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स सेड दैट यू बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, कि भाई कौन से फ्रीडम फाइटर ने ये बात बोली है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो भाई ये कि महान इंसान बोल सकते हैं कौन, हमारे गांधी जी, ठीक है। तो किसने बोला था ये बोला था जी महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था भाई। इनके जन्मदिवस पे हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। कब मनाना स्टार्ट किया था, 2007 में मनाना स्टार्ट किया गया था भाई। ये क्वेश्चन भी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी बार बार CGSSC में रिपीट होता रहता है। अब महात्मा गांधी जी का जिक्र आया है तो इनके और कौन कौन से सेंटेंस हैं जो CGL में पूछे जाते हैं, तो भाई मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला तो है लीव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर, एक तो ये सेंटेंस है भाई जो CGL पहले पूछ चुका है। और एक ये है, देर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सपेक्ट इन फॉर्म ऑफ ब्रेड, ठीक है भाई। तो ये दोनों भी गांधी जी के ही हैं, आपको ये याद रखने हैं। अब गांधी जी से और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, मूवमेंट्स पूछ सकते हैं, गांधी जी ने कौन कौन सी मूवमेंट चलाई थी। तो भाई देखिए कौन कौन सी मूवमेंट चलाई थी, सबसे पहले चंपारण आंदोलन किया था भाई, चंपारण ये किया था भाई 1917 के अंदर। उसके बाद कौन सा किया था भाई, उसके बाद किया था नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन जो था भाई ये चलाया 1920 में। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस भाई, सिविल डिसोबीडियंस ये किया भाई 1930 में। उसके बाद आया भाई कौन सा, डांडी मार्च, डांडी मार्च ये भी 1930 में। और सबसे एंड में क्विट इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट ये आया भाई 1942 में। अब इन मूवमेंट्स को याद करने की मैं आपको एक इजी सी ट्रिक बता देता हूँ। एक लड़की है चंपा, ये चंपा जॉब लेने के लिए जाती है लेकिन CV इसके पास होता नहीं, नो CV, तो जॉब वाला इसको बोल देता है भाई डू क्विट, कि भाई चंपा जॉब लेने गई है CV लेके नहीं गई, तो वो सीधा ही डू क्विट बोल देता है। तो चंपा से आपको याद रखना है 1917 का कौन सा चंपारण, नो से याद रखना है नॉन कॉरपोरेशन 1920 का, CV से सिविल डिसोबीडियंस 1930 का, डू से दांडी मार्च 1930 का, और क्विट से क्विट इंडिया 1942 का। तो भाई इस ट्रिक से आप सारे के सारे गांधी जी के मूवमेंट याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
नेक्स्ट है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय डैश माउंटेन्स, तो भाई ये पूछ रखा है कौन सी माउंटेन्स हैं जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करती हैं, तो भाई कौन सा देश करता है एशिया को यूरोप से सेपरेट, तो वो करता है रशिया। तो ये माउंटेन कहाँ की होंगी, रशिया की माउंटेन्स होंगी, ठीक है। तो भाई रशिया में कौन सी माउंटेन है, यूराल माउंटेन है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूराल माउंटेन। ये कहाँ पड़ती है, रशिया में, और ये क्या करती है, एशिया को किससे सेपरेट करती है, यूरोप से सेपरेट करती है भाई, ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई इसकी जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, इसकी है नरोध्या, नरोध्या, ठीक है भाई। और इसकी हाइट कितनी है, 1800 मीटर इसकी हाइट है भाई, ठीक है। ये नरोध्या हाईएस्ट पीक है किसकी, यूराल माउंटेन की, ठीक है। अच्छा इसके बाद किसका जिक्र किया गया भाई, इसके बाद जिक्र किया गया है एंडेस माउंटेन्स का, एंडेस माउंटेन। तो भाई एंडेस माउंटेन कहाँ पड़ जाती है, एंडेस हमारी जो माउंटेन पड़ जाती है, ये पड़ जाती है साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका, 7 कंट्रीज को कवर करती है भाई जो एंडेस माउंटेन है। और ये बोलते हैं एंडेस माउंटेन जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका बात की जाए तो कौन सी है भाई, ठीक है, अकोनकागुआ चोटी है भाई, अकोनकागुआ, ये जो हाईएस्ट पीक है इसकी, ठीक है। और अगर इसकी हाइट की जाए तो इसकी हाइट अप्रोक्स भाई 7000 मीटर है। मैं आपको अप्रोक्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर ये पूछ ले कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सके। वैसे इसकी 6911 के आसपास पड़ती है, ठीक है। बात की जाए एल्प्स की, तो भाई एल्प्स माउंटेन है ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है यूरोप में, और इसकी हाईएस्ट पीक है भाई माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, ठीक है। इसकी हाईएस्ट हाइट अगर पूछ ली जाए तो इसकी है भाई 4800 मीटर। उसके बाद बात करें अगर हम हिमालयाज की, ठीक है भाई, तो हिमालय कहाँ पड़ता है, एशिया के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट की जाए तो ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है भाई, और इसकी हाइट कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की है हमारी 8499 मीटर्स, ठीक है भाई। तो ये है हमारी किसकी, माउंट एवरेस्ट की हाइट। अगर बात की जाए इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है भाई हमारी कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इस कंचनजंगा की अगर हाइट की बात की जाए तो जो कंचनजंगा की हाइट हमारी ये पड़ जाती है भाई कितनी, 8566 के आसपास पड़ जाती है भाई, ठीक है। और अगर पूछ ली जाए कि इंडिया की दूसरी, आप केटू का नाम सुनते होंगे, केटू, तो केटू कहाँ पड़ती है भाई, ये पीओके में पड़ती है, और कंचनजंगा सिक्किम में पड़ जाती है, सिक्किम में, केटू पीओके में पड़ जाती है, इसलिए हम इंडिया की इसको कंसिडर करके नहीं चलते। और केटू की हाइट है भाई हमारी 86, ठीक है भाई, कितनी है, 8611 मीटर्स, ठीक है। इसकी 8566 है, इसकी 8611 मीटर है, ठीक है। तो आपसे अगर कई बार ये पूछ लिया जाए कि इन चोटियों को अरेंज करें, तो अब इनको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूराल माउंटेन्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी, लाइटेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो भाई सेंसस 2011 के हिसाब से जो साक्षरता दर थी वो हाईएस्ट कहाँ पे थी, ये लाइटेस्ट गलती से प्रिंट हुआ है भाई, यहाँ पे हाईएस्ट आना चाहिए था। तो हाईएस्ट कहाँ पे थी भाई, हाईएस्ट हमारी थी केरला के अंदर। अब सेंसस 2011 का जिक्र आया है तो 2011 की सेंसस को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि सेंसस से अगर और भी कोई भी क्वेश्चन सीजल में पूछा जाए तो हम उसको ईजिली कर पाए। तो भाई सेंसस हमारी हुई थी 2011 के अंदर, और इस टाइम सेंसस करवाता कौन है, ठीक है, सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे वो कौन थे भाई, तो उस टाइम पे जो सेंसस गवर्नर थे हमारे वो थे सी चंद्र, चंद्रचूड़, सी एच एन डी, अरे चंद्रचूड़ जी, ठीक है। अब बात की गई है, हम सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ का जिक्र किया, लिटरेसी रेट, तो हम लेके चलते हैं भाई लिटरेसी रेट। हाइएस्ट कहाँ पे था, ये था केरला के अंदर, केरला के अंदर कितना था भाई, 94% था, और लोएस्ट था भाई बिहार के अंदर, बिहार के अंदर कितना था भाई, बिहार के अंदर था 63%, ठीक है। इसके बाद बात की जाए पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी भाई उत्तर प्रदेश, यूपी में हाईएस्ट थी, ठीक है। और लोवेस्ट की बात की जाए, सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ थी भाई, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये पूछ लिया जाएगी भाई नेगेटिव ग्रोथ कहाँ हुआ था, नेगेटिव पॉपुलेशन, ठीक है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किस कहाँ पे था, ये था नागालैंड में, नागालैंड। अच्छा इसके बाद आई भाई पॉपुलेशन डेंसिटी की बात, पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है भाई बिहार के अंदर, ठीक है। और लोवेस्ट कहाँ है भाई, लोवेस्ट है हमारी सिक्किम के अंदर,
अच्छा अब बात की जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी होगी, अच्छा अब और क्या रह गया, लिटरेसी रेट रह गया भाई। ठीक है, तो अगर हम ये पूछ लें कि भाई लिटरेसी रेट जो था, एवरेज लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था, तो भाई 74% था। अगर बात की जाए मेन की लिटरेसी रेट की, तो मेन का लिटरेसी रेट था 82.14%, और अगर वुमेन की लिटरेसी रेट की बात की जाए, तो वुमेन का जो लिटरेसी रेट था भाई, वो था हमारा 65.46%। ठीक है, अच्छा अब और क्या बचा है भाई हमारे पास, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, लिटरेसी रेट हो गया। अच्छा ठीक है, अब और चीज़ तो हमारा इसमें, चलो ये सा, अच्छा एक हुआ हम पर भी हमारा जेंडर। ठीक है, तो भाई जेंडर डिफरेंस कितना था इंडिया में, जो अगर ओवरऑल जेंडर डिफरेंस की बात की जाए, तो भाई 940 के ऊपर 1000 लड़कियां थी। ठीक है, 1000 लड़कों पे 940 लड़कियां थी। हाईएस्ट कहाँ पे था, तो भाई जो ये हाईएस्ट था ये था केरला के अंदर, केरला के अंदर था 1084/1000। और लोएस्ट बात की जाए तो लोएस्ट था भाई, लोएस्ट था हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर ये था 844/1000 बॉयज। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो था 2011 के सेंसस से, इससे बाहर जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा सीजीएल के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद, तो भाई पंचनद के अंदर कौन सी रिवर शामिल नहीं है, ये पूछा हुआ है भाई हमसे। चलिए देखते हैं हम पंचनद है क्या। सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए भाई ये भारत है हमारा, ठीक है ये मान के चलो आप, ये कश्मीर है इधर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कौन सी रिवर निकलती है, इंडस रिवर निकलती है, और ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो जो ये इंडस रिवर है, इसके लेफ्ट साइड पे पांच रिवर्स हैं। ठीक है, वो पांच रिवर मिलके एक पंचनद नदी बनाती हैं, जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो ये पूछ रखा है भाई वो पांच नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है। ठीक है, तो भाई ये पांच नदियां हैं कौन सी, तो भाई इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, झेलम क्रैब्स, झेलम के केकड़े, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी नदियां हैं ये है भाई, सबसे पहली तो होगी झेलम, ठीक है, दूसरी सी से हुई चेनाब, ठीक है, आर ए से हुई रावी, ठीक है, बी से हुई ब्यास, और एस से हुई सतलुज। तो ये जो पांच नदियां हैं ये मिलके पंचनद बनाती हैं, और वो कहाँ जाके मिलती हैं भाई, वो मिलती हैं हमारी इंडस के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई और इंडस रिवर के बारे में एक और चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए, कि जो इंडस रिवर है ये निकलती कहाँ से है भाई। ठीक है, तो इंडस रिवर है ये जो है ये हमारी निकलती है भाई कहाँ से, बोकारचू एक ग्लेशियर है, कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है भाई, इस ग्लेशियर से जो है ये निकलती है। ठीक है, और इसका एक और दूसरा नाम है भाई जो इसको तिब्बत में लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तिब्बत में लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको तिब्बत में जो है लोग बोलते हैं सिंघी, सिंघी कंबन, सिंघी कंबन जो है वो हमारा इंडस का नाम है तिब्बत के अंदर। तो पंचनद आपको याद रहेगा, झेलम क्रैब्स इसकी ट्रिक है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मोस्ट एसेंशियल राइट ऑफ डेमोक्रेसी, तो भाई डेमोक्रेसी के दो मोस्ट एसेंशियल राइट कौन से हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए आप, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम, तो भाई इसका सही आंसर यही हो जाएगा, इक्वेलिटी और फ्रीडम, जो समानता और स्वतंत्रता जो हमारे किस में फंडामेंटल राइट्स में सबसे ऊपर दिए गए हैं, वही क्या हो जाएंगे एसेंशियल राइट फॉर डेमोक्रेसी। तो देखिए इक्वेलिटी और फ्रीडम की बात आई है, तो जो राइट टू इक्वेलिटी है इसका जिक्र भाई कहाँ किया गया है, 14-18 आर्टिकल के अंदर। ठीक है भाई, तो पांच आर्टिकल जो हैं वो हमारे राइट टू इक्वेलिटी के ऊपर दिए गए हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप राइट टू इक्वेलिटी बहुत इजीली याद कर पाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक है भाई वो है ला डाउट, कि भाई इक्वेलिटी है ना तो डाउट लेके ला डाउट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आर्टिकल कौन सा आता है, 14, तो 14 कौन सा है भाई, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, एल ए से हम लॉ बना देंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 क्या है भाई, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया है। ठीक है, कास्ट क्रीड किसी भी चीज के ऊपर नो डिस्क्रिमिनेशन, तो डी से हमारा आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा भाई, उसके बाद आर्टिकल 16 की बात की जाए तो ओ से, ठीक है भाई, ओ से क्या है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है भाई, 17 आर्टिकल हमारा क्या है भाई, 17 आर्टिकल है हमारा अनटचेबिलिटी। ठीक है भाई, अनटचेबिलिटी किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा यू से आ जाएगा। और आर्टिकल 18 हमारा क्या है भाई, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है भाई, तो ये हमारा किस चीज पे आ जाएगा, एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो भाई ये 18 के 18, 5 के 5 आर्टिकल आपको ला डाउट से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट जो है हमारा राइट टू
फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? 19 से 22, चार इसके अंदर आते हैं, वैसे तो पांच आते हैं, 21 है जो बाद में ऐड किया गया था। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 आता है भाई। 19 के अंदर क्या होती है? छह फ्रीडम है। ये आपको ऐसे याद नहीं रहेंगी, इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक जो है वो है भाई परम, PARAM, परम स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है, इस ट्रिक से आप सारे की सारा जो आर्टिकल ऑफ फ्रीडम है उसको याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पी से हम क्या लेके चलेंगे, पहली जो हमारी फ्रीडम है कौन सी है? पी से प्रोफेशन। पी से हो गया भाई हमारा प्रोफेशन। उसके बाद ए से एसोसिएशन। ठीक है, आर से बात की जाए रेजिडेंस, ए से बात की जाए तो ए से और क्या बनता है भाई? एसोसिएशन तो हमने लिख लिया, ठीक है, असेंबली। अच्छा भाई, और ए से अगर हम एम से बात करें तो मूवमेंट। अच्छा, एस की बात की जाए तो एस से हमारा बनता है स्पीच। तो ये हमारी छः की छः फ्रीडम है जो हम इससे याद कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो है आर्टिकल 20, वो क्या होता है भाई? आर्टिकल जो हमारा 20 है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो वो किससे याद हो गया? सीओ से, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब बात आई आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 21 क्या है हमारा भाई? पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी। और क्या है भाई पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये देखिए, ये आप जो यहाँ पे बस क्या करना है, टी की जगह पी याद कर लेना, स्कॉटलैंड। तो पी एल से हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हो जाएगा और पर्सनल लिबर्टी। अगला है ए एन डी, तो आर्टिकल 22 कौन से है भाई? अरेस्ट एंड प्रिवेंटेटिव डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? राइट टू फ्रीडम सारे के सारे अच्छे से याद हो जाएंगे परम स्कॉटलैंड से। ठीक है भाई, 21 एक है राइट टू एजुकेशन, ये बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांट सेल। बात की गई है भाई प्लांट सेल की और पूछा है भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो प्लांट सेल से रिलेटेड है और सही नहीं है। तो चलिए मैं आपको प्लांट सेल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। प्लांट सेल भाई रेक्टेंगुलर शेप की होती है ये, इसको बोलते हैं हम यूक्रेटिक सेल, यूक्रेटिक सेल। इसके अंदर भाई सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है भाई, अच्छा इसके बाद क्लोरोप्लास्ट हमारा हो गया। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूल होता है भाई। एक वैक्यूल क्या काम करता है? ये किसको? वेस्ट को और मिनरल्स को स्टोर करता है, इसको स्टोरेज भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद होता है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है वे मिनरल्स के, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है भाई, अच्छा और इसमें क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सेल वॉल सेम होती हैं भाई, किसकी तरह? एनिमल सेल की तरह, सिमिलर। सेल्यूलोज जो होता है भाई वो इसकी सेल मेम्ब्रेन बनाता है भाई। ठीक है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है भाई? इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों तरीकों से जो है ये सेल अब खुद को रेप्लिकेट करती है भाई। तो ये सारे के सारे प्लांट सेल के जो है इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस, भाई कर सकते हैं डिवाइड माइटोसिस से भी और मायोसिस से, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यही इसका सही आंसर है। ऑल प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है भाई मैंने बता दिया। यूजुअली कंटेन ए लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल होता है बता दिया। सेल वॉल ऑफ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है बता दिया। तो भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से जो है एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो कल मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा एक नई क्वेश्चन और एक नई सीरीज को लेके। तो चलिए भाई मिलते हैं, धन्यवाद।